दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पाकिस्तानी लड़की के बारे में जिसे 24 साल की उम्र में गूगल ने अपनी नौकरी पर रख लिया। पाकिस्तान पंजाब के शहर सादकाबाद से तलक रखने वाली गूगल के हेड ऑफिस तक कैसे पहुंची? पोलैंड के शहर वारसा में मौजूद गूगल के हेड ऑफिस में 1300 अफराद काम करते हैं। शफीका इकबाल पाकिस्तानी वाहिद लड़की है जिसे गूगल ने सब इंजीनियर की पोस्ट पर हायर किया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी बेटी शफीका इकबाल कौन है और वह गूगल के हेड ऑफिस कैसे जा पहुंची। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नया पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आयद आने वाली ऐसे ही वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। शफीका इकबाल जो पाकिस्तानी पंजाब के एक इलाके सादिक आबाद से तअल्लुक रखती हैं, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की। पाकिस्तानी यूट्यूबर जुनेद अकरम को इंटरव्यू देते हुए शफीका इकबाल ने बताया, मैं पंजाब के इलाके सादिक आबाद से तअल्लुक रखती हूँ और गूगल में डेटा इंजीनियर की जॉब भी करती हूँ। गूगल ने लिंक्डइन के जरिए खुद मुझे नौकरी की पेशकश की। यह कहना है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली 24 साल शफीका इकबाल का। शफीका ने ना सिर्फ गूगल जैसे अदारे में नौकरी की बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें गूगल ने खुद ही नौकरी की पेशकश की। पाकिस्तानी यूट्यूबर जुनेद अकरम को इन्होंने खसूसी तौर पर पोलैंड के शहर वारसा में इंटरव्यू दिया। शफीका के मुताबिक वो शुरू से ही आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी, यही वजह है कि वो आज इस मकाम पर पहुंची। शफीका के साथ 1300 से ज्यादा अफराद जिनमें से भारतीय बांग्लादेशी इसके अलावा पूरी दुनिया से तल्लक रखने वाली लड़कियां और लड़के भी मौजूद थे जिनमें से दो का तल्लक भारत से भी था। जुनेद अकरम के सवाल पर कि क्यों भारतीय और बांग्लादेशी नौजवानों के मुकाबले में पाकिस्तानी नौजवान टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे हैं, शफीका ने बताया जब भारतीय नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं इसी जमाने से इन्हें सिर्फ इंटर्नशिप हासिल करने की बजाय गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े अदारों में की जाने वाली लगन भी होती है। यही वजह है कि वहाँ के नौजवान ज्यादा आगे हैं। जाफर लाहौर में इंजीनियर की जॉब कर रही थी, गूगल इनके साथ आखिरी इंटरव्यू किया। इसी दौरान लाहौर के अंदर आखिरी इंटरव्यू के दौरान इनकी इंटरनेट सर्विस भी बंद हो गई थी और इन्हें बड़ी मुश्किल के बाद गूगल में जगह बनाने में कामयाबी मिली और आज पोलैंड के शहर वारसा में मौजूद वो 1300 में से वाहिद अकलौती पाकिस्तानी लड़की थी जो कि डेटा इंजीनियर की जॉब कर रही है। शफीका इकबाल की इस वक्त उम्र 24 साल के लगभग है। सोशल मीडिया पर आज पाकिस्तानी बेटी शफीका इकबाल की धूम मची हुई है। दुआ है अल्लाह ताला हमारी बेटी शफीका इकबाल को कामयाबियों का मरानी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा।